अच्छा एक रोजादार वो भी आपको नजर आएगा रमजान में, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। छे रोजादार छे? अरे छेंगे नहीं हो। अच्छा देखिएगा, जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा, सबसे पहले वही बैठेगा। कभी पकोड़ा खाएगा, कभी केला खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी संतरा खाएगा। अब बोलेगा का मजा नहीं चाहिए, मजा नहीं चाहिए। तेरे बुधवार मजा लगेगा कहां तुमको, दिन भर तो फैक्ट्री भरता रहा। मजा उसको ना आएगा जो रोजा रखा है। मजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रोजेदारों को दो खुशी अता फरमाएगा, एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी यह है कि इफ्तार के वक्त में जो रोजेदार को खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फैल। जो रोजेदार लोग हैं देखिएगा, इफ्तारी करने जब बैठता है, रोजा का वक्त जब होता है, अजान की जब आवाज आती है, वो खजूर हो चाहे नमक हो चाहे जो भी हो मुंह में रख के जब पानी का हो घोट पीता है, तो उसको ऐसा लगता है कि आहा दुनिया की सारी खुशी मिली। और जो रोजे नहीं रखा है उसको क्या पता चलेगा? एक रोजेदार वो भी है, अखबार में पढ़िएगा, लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, ना वो रखा वो ना रहा वो रखा तो खोला कौन? अरे खोला कौन चीज वो? अरे जो रोजा रखेगा वही ना खोलेगा। पेपर में मीडिया वाला लिखता है कि लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, तो नीतीश रखा कब था जो खोला? अच्छा एक तो रोजादार वो हो चुके, रोजा नहीं रखता लेकिन शहरी भी नहीं छोड़े। बोलो बात सही की गलत है? बोलो नौजवानों रोजा रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर थोड़े होता। तुम जिम खटते हो, जिम खटो ना, क्या तुम दुबला हो जाओगे? हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, बेटे की ईद बाद शादी है, अब बेटा को बोलता है, बोलती है ए बुधवा रोजा मत रखे बेटा, गाल पिचकी तो मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा। ईद बाद बिहा है कि पहलवानी लड़ेगा? अरे बी है ना करेगा, क्या वो पहलवानी लड़ेगा जो बेटा को तैयार कर रहे हो? इसलिए नौजवानों रोजा रखो। अल्लाह कहता है कि तुम जकात दोगे, तुम हज करोगे, तुम कुरान पढ़ोगे, तुम तस्बीह और तहलील करोगे, जो भी नेक अमल करोगे इसका बदला मैं अपने मलाइका से दिलवाऊंगा, लेकिन जो बंदा रोजा रखता है उसका बदला मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रोजा का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा कि मेरा बंदा रोजा रखा है, मेरा बंदा भूखा 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 रहा, प्यासा रहा, खाना मौजूद था, हाथ नहीं लगाया, मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे खौफ से, मेरे डर से प्यास लगी लेकिन पानी नहीं पिया। ओ मेरा बंदा जब मेरा हुक्म हुआ फिर इफ्तारी किया, सहरी खाया, रोजा खोला है, तो अल्लाह कहता है कि मैं इसका इनाम अपने हाथों से दूंगा। तो कितने नौजवान तैयार हो? इंशाल्लाह 300 रोजे रखेंगे, इंशाल्लाह पूरा मजमा तैयार है। और अल्लाह तौफीक दे तो रोजेदारों को इफ्तारी भी करवाना, अल्लाह तौफीक दे तो रोजेदारों को इफ्तारी भी कराना। सुनो सुनो, जितना उलमा फरमाते हैं कि जितना सवाब रोजेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह देगा। जितना सवाब रोजेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब, अरे भाई बोलो ना, उतना सवाब इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह देगा। तो ये एक हिंदू भाई थे, एक हिंदू भाई ये सुन रहे थे कि जितना सवाब अल्लाह रोजेदार को देगा उतना सवाब रोजा खुलवाने वाले को भी अल्लाह देगा। तो हिंदू भाई बोला, सोचा आह ये सवाब हमको कमाना चाहिए। गया घर, ये गिलास शरबत बनाया, एगो खजूर लिया, दोपहर का टाइम था, बोला बस निकलूं मैं, हम निकलते हैं, अब इफ्तारी करवाएंगे हम। मुसलमान के मोहल्ले में चलते हैं, वो जा रहा था रास्ते में, देखा मुसलमान का बच्चा आ रहा नौजवान, पकड़ी कलाई, बोला बैठ इफ्तारी कर। बोला नहीं टाइम नहीं, इफ्तारी कर।
बोला हम वो सब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, इफ्तारी करो, शरबत पियो, खजूर खाओ। बोला ये कई दोपहर में इफ्तारी करवाइएगा? बोला ये सब हम कुछ नहीं जानते, तुम सवाब हमको नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तुम रोजा नहीं खोल रहे हो, खजूर खाओ, इफ्तारी शरबत पियो। ये नौजवान बोला कि नहीं, हम तो रोजा नहीं तोड़ सकते। बोला नहीं तोड़ोगे तो लट्ठी देखो, पांचे लट्ठी मारेंगे हम। ये नौजवान को इतना मजबूर कर दिया कि रोजा तोड़ा। ये भाई हिंदू भाई बड़े खुश हुए कि चलो जितना सवाब तुमको मिला उतना सवाब हमको भी मिल गया। ये नौजवान बोला खाक सवाब मिला, अरे दोपहर में कहीं इफ्तारी करवाता आदमी को, इफ्तारी कराना ही था, तो जब वक्त हो जाता सूरज छिप जाता तब इफ्तारी कराते। तो मौजा शामिल किराम, ये रमजानुल मुबारक के कुछ पैगाम थे जो मैंने आप तक पहुंचाया है। अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ये मस्जिद को मैंने अपनी नजरों से देखा है, अभी बाहर में बहुत सारे काम बाकी है। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, जरा हाथ को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा मजमा तैयार है, जन्नत में महल बनाएंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे। अच्छा मदीना भी जाएंगे? मदीना, मदीना जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। अरे बोलिए ना कि इंशाल्लाह कर देंगे। 5 लाख क्या है? 5 लाख क्या है? अल्लाह चाहेगा 10 लाख भी अगर खर्चा करना पड़ेगा, जो दीवाना है वो तो कर देगा। ये पैसा क्या चीज है, दौलत क्या चीज है, आखिरत के सामने, जन्नत के सामने, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सामने, ये सोना चांदी क्या है? मुसलमान तो वो है कि दीन के लिए अपनी जान को भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर सकता है। ये मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल मनाओ। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अनुरा भी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाए। इंशाल्लाह आलिशान महल बनाएंगे इंशाल्लाह। किसके नाम से? अपना भी घर बनाओ, अपनी माँ का भी घर बनाओ, अपने बाप का भी घर बनाओ। अगर अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दिए तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, तुम इस मस्जिद को दुनिया में बनाए हो, हशर के मैदान जब होगा अल्लाह हिसाबो किताब के बाद, जो महल जो जन्नत में अल्लाह तुम्हारे लिए बनाया है, तुम मस्जिद बनाए थे, अल्लाह उस महल की चाबी तेरे हाथों में देगा कि जा इस महल के अंदर में दाखिल हो। दुनिया तो फानी है, ये फना हो जाएगी, ओ कुर्बान जाओ, मौत आनी है, आकर रहेगी, ना मौत से कोई बच पाया है और ना बच पाएगा। और कुछ लोग कहते हैं ना, समझाते हैं हमारे जमाती भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग जमाती भाई समझाते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, मौत करीब है, भाई बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी कोई पैसा मत दीजिए, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो टेंशन मेरा है कि आपका? आप बैठे रहिए, हम चंदा करने के लिए खड़े हुए हैं। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह। मजमा कम है क्या हुआ, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। चेहरा, जितने लोग बैठे सबका चेहरा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग बैठे तो मखना के सरजमीन पर है लेकिन तस्वूर में ये मदीना में है। सबका चेहरा चमक रहा है। तो कुर्बान जाओ, कुछ लोग कहते हैं ए भैया नमाज पढ़ी लो ना, मौत है तो भैया मर नाच गए। बोले तो मम्मा तो से कंटा रह जी, जब आते देख लो। एक मजदूर गठरी लेके जा रहा था सर पर, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, ठोकर लगी, गांव के करीब जाने वाला तो ठोकर लगी, गिर गया, गठरी गिर गई, गिरा तो चोट लगी, चोट लगी तो कहा कि या अल्लाह इतना गरीब बनाया, या अल्लाह इतना गरीब बनाया कि मैं कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह मौत को भेज दे, मौत को भेज दे। एक मन चला था बस्तिया का, सुन लिया ये मौत की दुआ मांग रहा है, वो काली चादर ओढ़कर उसके पास चला गया। बोला कि जो भैया, बोला हम तुम्हारी मौत है,
बोला मौत है यहाँ क्या करने के लिए है? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं वो तो मेरी जबान से निकल गया, ये गठरी गिर गई, उठा के दिए, हम जल्दी घर जाएंगे। नौजवानों, मौत से ना कोई बच पाया है ना कोई बच पाएगा। आओ आखिरत की तैयारी करो, जब मरना ही है, जब वहां जाना ही है, जब वहां हमेशा रहना ही है, तो वहां की तैयारी होना चाहिए। नहीं जी भाई, दुनिया में 60 साल 70 साल 80 साल हम रहते हैं, यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, मार्बल का पत्थर लगाते हैं, ये लकड़ी वो लकड़ी का खिड़की लगवाते, दरवाजा लगवाते हैं, यहाँ 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 120 साल 130 साल 150 साल 150 साल नहीं, कांटा नहीं थे वहां तक, 100 साल अभी अभी तो 50-60 साल में खटिया पकड़ लेता है, 50 से 60 साल में खटिया और 70 साल में लट्ठी, 80 साल होते होते कांटा डोन। जब इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी के लिए ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत बना रहे हैं, वहां जहां हमेशा रहना है, वहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, असल घर वहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, बोलो भाई वहां होना चाहिए ना, वहां घर बनाए, अरे बनाए वहां घर बनाए, तो कब बनाओगे, मरने के बाद, अरे वहां घर कब बनाओगे। एक बादशाह ना, एक बादशाह अपने वजीर से कहा कि भाई पता करो हमारे इलाके में बेवकूफ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ के लिया। वजीर चला गया, पूछते पूछते लोगों से, भैया बेवकूफ सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, लोगों ने बताया कि ये देखो ये जो बैठा हुआ है ना, इससे बड़का बेवकूफ तुमको कब कहीं नहीं मिलेगा। बोला वाह मिल गया, पकड़ा कलाई पकड़ के लिया, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया कि इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, पूरे इलाके में मशहूर है। तो बादशाह खुश हो गया, अपने गले से हीरे का हार बादशाह खोला और बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से इनाम है, जाओ घूमो फिरो, किसी चीज की जरूरत हो मेरे महल में आ जाना। कुछ दिन गुजरा, कुछ महीना गुजरा, बादशाह की तबीयत अलील हो गई, बादशाह बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि मरने के करीब हो गया। लोग आए देखने के लिए, तो वो बेवकूफ भी पता चला, बेवकूफ भी देखने के लिए आया, तो बादशाह के करीब ये बेवकूफ गया, तो ये बादशाह के करीब जाकर ये बेवकूफ कहता है कि ओ बादशाह साहब की हाल चाल। तो बादशाह बोला कि बाबू बस मेरा आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया में जाने वाले, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कोई नहीं आता। ये बेवकूफ कहता है कि कौन दुनिया, बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। तो बेवकूफ ने कहा कि और कौन कौन जा रहा है आपके साथ में। बोला कैसा बात करता है भाई। तो बादशाह समझ गया तो बेवकूफ है। बोला नहीं बाबू कोई नहीं, जमा कर ला जाइए। बोला बादशाह साहब अकेले जाइएगा। तो वहां नौकर चाकर भेजे, नौकर चाकर। बोला कि नहीं। बोला अच्छा बिस्तर भेजे, बिस्तर पलंग भेज लो। बादशाह बोला कि नहीं। फिर इस बेवकूफ ने कहा कि वहां घर बनाए, महल महल बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं। ये बादशाह की आंखों में आंसू आ गया इस बात से। तो बादशाह ने कहा कि नहीं महल नहीं बनाए, वहां घर नहीं बनाए। ये बेवकूफ अपने गले से वो हीरे का हाल खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप, अरे जाना है वहां, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है और अकेले जाना है, ना बिस्तर है, ना खटमा पलंग है, ना सर सिपाही है, ओहो और ना घर है। तो बेवकूफ आप हुए कि हम हुए। बादशाह जारो कतार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने मेरी आंखों को खोल दी। वो बादशाह सल्तनत को छोड़ा, अल्लाह की याद में निकल। अल्लाह, इस बेवकूफ ने मेरी आंखें खोल दी।
इसलिए नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के जन्नत में जाने की जगह बनाओ, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रहकर अजाब से बचने के तरीके करो। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने हाथ उठाया है, महल बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग महल बनाओ इंशाल्लाह? हम 10 दुआ करेंगे, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। कितना आदमी चाहिए वही बोलो? 5 भाई बोलो, कितना आदमी चाहिए? हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? 10। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया, रहम आया, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया, हे दादी उठ, दादी उठ, चोट लगी ना कि उठ उठ उठ, बुढ़िया को पकड़ के उठाया। तो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। मुझे 5 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए भाई? है कोई पहला अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई पहला नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद बनाने के लिए 5,000 रुपए देने के लिए कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत आज तो मेरी माँ नहीं है, या मेरा बाप चला गया है, या मेरी माँ है, या मेरा बाप है, हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए हम देंगे, मेरे माँ बाप के लिए आप दुआ कर दीजिए। है कोई ऐसा नौजवान? है ऐसा कोई सखी? इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को तौफीक देगा, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। ए पहला नारे तकबीर, ये देखिए मां का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा, भाई वाह, ए मोहम्मद हसनैन बाबू तैयार हुए। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह पहला नौजवान हसनैन साहब तैयार हुए। है दूसरा कोई नौजवान भाई? इसका साथी बन जाओ, इसका दोस्त बन जाओ। है ए दूसरा नौजवान आ गया, ए तीसरा भी आ गया, वाह बेटा वाह, आ जा माशाल्लाह। ए दो नौजवान, वाह माशाल्लाह, ये ना मखना का नौजवान है, ये श्रीनगर का नौजवान है, पूर्णिया का नौजवान। हाथ मिला लो बेटा, नाम बोलो। माशाल्लाह कलम कॉपी नहीं है भाई, कलम कॉपी लिखिए। मोहम्मद नौशाद साहब, घर मोबाइल नंबर दे दीजिए। घर मखना है नौशाद साहब, मोहम्मद नौशाद साहब 5,000 मखना। आपका नाम? मोहम्मद मकबूल। हजरत आओ नहीं दुआ कबूल। मकबूल भाई आ गए, यहाँ मुसाफा कीजिए, हजरत आपकी दुआ हो गई कबूल, आ गए भाई मकबूल। भाई ए चौथा नौजवान भी आ गया, ए है, 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 नारे तकबीर। ये सरजमीन बड़ी सरखेज है, सरजमीन मकना। आजा बेटा पहले नाम से मुसाफा कर लीजिए, नाम लिखाइए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। माशाल्लाह अल्लाह के देने को कबूल फरमाए। ए बेटा इधर आ जाए, इधर आकर लिखो। भाई 4 आदमी हो गए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाल्लाह भाई 4 आदमी हो गए, हाथ की उंगलियां, ए पांचवा भी आ गया, माशाल्लाह नारे तकबीर। ये देखिए माशाल्लाह हिम्मत का हिमालय पहाड़ बनकर, ये नौजवान के लिखिए माशाल्लाह 5 आदमी हो गए माशाल्लाह। ये देखिए सब मकनहा का नौजवान तैयार हो रहा है भाई, 5 आदमी हो गए भाई। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया भाई? जमीन को अल्लाह ने कितने दिन में पैदा किया? आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 3 कितने हुए? 6। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर छठे नंबर पे
मस्जिद में ताउन करने वाले को अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। है छठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का दीवाना बेटा है, बाप का कौन चहीता बेटा है, बाप का कौन लगते जिगर बेटा है इंशाल्लाह। छठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? कितने नौजवान तैयार हो, आ जाओ आज अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। तब एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह क्या दिल का एकदम अजमत के साथ हजरत से इस्तकबाल के लिए इनकी आवाज पर खड़े हो गए 5,000। क्या नाम बोले भाई माशाल्लाह, नाम बोले, नाम बोले दो। अच्छा इंशाल्लाह समझ गया भाई, वो अभी